me chakura kuta kuta dalikia karo. गले जोगी नहीं है, मैं बड़ी सोखी हूँ, मैं नहीं इन्हें गले जोगी आया, मैं कुछ अगे तली नहीं आती। बड़ी सोखी हाँ, मैं लोगे दिन दिया, आज मैं लोगे के तली अडनी पी। निकी निकी बच्चियां तो को आज भी ठंडे कपड़े पाए तरस नहीं है। तो मैंने फैसला किया कि एक बच्चा इनका आपने स्कूल में पढ़ाऊंगा, यूनिफॉर्म उसकी बुक्स वगैरह मैं सबको सब प्रोवाइड करूंगा। कि जब एक परिवार के ऊपर से जो मुखिया का साया चला जाता है तो उस परिवार का गुजर बसर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिस तन लागे सो जाने कौन जाने पीढ़ पर आई, ये कहानी हमने आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले एक स्टोरी की थी। उस जिला राजौरी के सब डिविजन कालाकोट के शहर के साथ लगता है एक परिवार, ऐसा दुखिया परिवार, एक ऐसा असमर्थ असहाय परिवार, जिसके परिवार का जो मुखिया था, जो इस परिवार का दायित्व अपने कंधों के ऊपर ढोता था, जो इस परिवार का लालन पालन करता था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त था। और जब उसका इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में, देश के बड़े हॉस्पिटल में, अन्य राज्यों में जब हुआ, तो उसके इलाज के लिए लगभग 12 से 15 लाख रुपया खर्चा आया। और इस परिवार ने, जो इस परिवार का मुखिया था, इस परिवार ने यहाँ से भीख मांगने की तर्ज पर यह परिवार पहुँच चुका था। यहाँ से स्थानीय व्यापार मंडल से सहायता ली, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय लोगों ने इनकी सहायता की। और जब हमने पहली स्टोरी की थी तो इन्होंने बताया था कि 8 लाख रुपया आज भी इन्होंने कर्ज उतारना है। वह कर्ज क्या था कि उस व्यक्ति के उपचार के लिए जब इन्होंने भीख मांग कर लगभग 8 से 10 लाख रुपया खर्चा किया, और 8 लाख आज भी इनके कंधों पर कर्ज है। और पीछे आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी रसोई और एक कमरा, जिस कमरे के अंदर ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। बूढ़ी माता से जब हमने बात की थी तो इनकी मुंह से वो आवाज़ नहीं निकल रही थी, रो रहे थे, परेशान थे। इन्होंने कहा था कि कुछ ही महीनों के बाद उनके बेटे की बारखी है, और जब बारखी होगी तो उनकी बारखी के ऊपर जो भोजन ब्राह्मणों को वितरित किया जाएगा, उस भोजन के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। नन्नी नन्नी मासूम बच्चियों से जब हमने पूछा था तो बच्चियों ने कहा था कि पापा जब सपने में आते हैं तो कहते हैं बेटा अपना ध्यान रखना। दिल को झकझोर कर देने वाली ये कहानी जब हमने फ्लैश की, उसके बाद कई महानुभाव इनकी सहायता के लिए आगे आए, और कई महानुभावों ने यहाँ पर इनके लिए गर्म वस्त्र, कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं, अन्य सामान भेजा। और एक ऐसा महानुभाव, एक ऐसा दानवीर जो इन बच्चियों, जिन बच्चियों के सिर से भाप का साया उठ चुका था, उनके सिर पर हाथ रखने के लिए इस परिवार में पहुँचा, उससे भी हम मिलाएंगे। सबसे पहले हम माता जी से मिलाएंगे। माता जी ये तुसे रोना नहीं, माता जी जो ईश्वर की मंजूर होता वह होंगे। तो अज तुहाड़े घर देखो किन्ने दानी लोग आए, समान भी ले आए, खाने पीने का समान भी ले आए। बच्चा कुड़े कुठे कुठे दा लिखिया करो। तो माता जी इस समय कितनी परेशान है। भैन जी, जिला साहब तुम्हें दसिया है कि 8 लाख रुपया आज भी उधार है। बच्चियां ठंडे कपड़े के बीच घुमा कर दें, लाने वास्ते बस्तर नहीं है, खाने वास्ते कोई समान नहीं है, और जिस वेला बारखी होनी तो साढ़े को एक समान का, एक दाने का, अनाज का दाना नहीं है कि अस ब्राह्मण की भोजन कराई सकचै। अज तुहाड़े घर कुछ समान भी लेइए पुजन, और भी दानी सज्जन तुहाड़े घर तुहाड़ी मदद करने आए हैं, क्या आखना चाहते हो तुस? मैं इन्नी गले जोगी नहीं हाँ, मैं बड़ी सौखी हाँ, मैं नहीं इन्नी गले जोगी आया, मैं कुछ अगे तली नहीं अड्डी, मैं बड़ी सौखी हाँ, मैं लोगे दिन दी हाँ, अज मैं लोगे अगे तली अड्डनी पी। निकी निकी बच्चियां तो अज भी ठंडे कपड़े पाए तरसनी है, इं भड़कनी है, मैं हर कुसै अगर मंगनी है, कुसै आखनी है किश देओ, कुसै अगर किश, मैं नहीं इन्नी गले जोगी, अज हर कोई मेरी मदद करदा, हर कोई दिंदा, रब ने इन्नी गले ने पाया मी। तो अज तुहाड़े घर बच्चियों वास्ते गर्म कपड़े भी आए, कुछ राशन भी आया, और भी जेहड़े दानी सज्जन दिल खोलिए दान करने वास्ते तुहाड़े वास्ते तैयार न। और जिस वेले बारखी हो ते बारखी का सारा समान तुहाड़े घर पुजो। बड़ा शुक्रिया करनी है जिन्हें मेरे कन्नै तुसें ना बड़ा बड़ा शुक्रिया करनी है, मेरी बच्चियां कपड़े भी समान भी दिता, मैं भुखी हाँ नंगी, मैं कुसी दसा बड़ा दुख, मैं कुसे नहीं अपना दर्द दसदी, मेरा सारा नहीं कोई, मैं कुसे कन्नै गल करां, मैं अज भुखी हाँ, मेरे कोल कुछ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करनी है, रब तुसें नी लम्मी लम्मी उम्र करे भगवान, तुसें गी कोई मुश्किल नहीं आवे, बस मैं इयै दुआ करनी है भगवान सारे ना करनी है।
मेरे बड़ा शुक्रिया करनी है, मेरे बाजार वाले भी मेरे बड़ा करते हैं, कालाकोट का बाजार है जहाँ कोई नहीं है मेरे नाल बहुत करते हैं, आते कोई मुश्किल आवे कोई तुके शक है कुछ भी बोले असी दसना और धीर भी इन्हें मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया करनी हाँ कि मेरी बच्ची जी पढ़ा गए फ्री, मैं बड़ा शुक्रिया करनी हाँ इंदा इंदा मैं बहुत सारा है। तो कि कर्ज जोड़े पति के इलाज के भी जो खर्च होया हा, कि कर्ज जो लोगों का अज भी मकाना है कि दुआर है? मेरा टोटल आए रही गया 5,000 में हिसाब किया 5,00,000 5,00,000। तो जी छोटी नन्नी नन्नी बच्चियाँ मासूम बच्चियाँ जिंद असें पहली स्टोरी भी गल की थी, आज भी फिर गल की बेटा राधिका, तो आपके पास गर्म कपड़े नहीं है? नहीं। आपके लिए गर्म कपड़े लेकर हम आ जाए, अब आप गर्म कपड़े पहनोगे ना? हाँ पहनेंगे। तो जिन लोगों ने आपके लिए गर्म कपड़े पहने हैं उनको शुक्रिया करोगे? हाँ। क्या बोलोगे उनके लिए? बोलेंगे थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू बोलेगा बच्चा। तो अब आपको अच्छे स्कूल में भी पढ़ाई की जाएगी आपकी, आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आप खुश हो? हाँ। चलो बेटा आपका नाम क्या है? रौनक शर्मा। रौनक शर्मा, तो आज आपने ये ठंडा सूट क्यों पहना हुआ है? गर्म है ही नहीं। आपके पास गर्म सूट नहीं है? हाँ। तो पापा, आपने पिछली कहानी में आपने बताया था कि पापा सपने में आते हैं, अभी भी आते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं सपने में आकर? बोलते हैं आपको वो कपड़े दे देंगे। अच्छा, पापा क्या बोलते हैं कि आपको कपड़े मिल जाएंगे गर्म कपड़े? हाँ। तो अब आप पापा को क्या बोलोगे जब सपने में आएंगे? बोलेंगे पापा जी उन्होंने हमको कपड़े दे दिए। तो मासूम बच्ची बोल रही थी कि जब पापा सपने में आते हैं तो कहते हैं कि आपको गर्म कपड़े मिल जाएंगे, और आज गर्म कपड़े आ गए। इस कहानी को करते हुए, इस स्टोरी को करते हुए मन में कितनी पीड़ा हो रही है ये हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपको बताएंगे कि माता जी के ठीक पीछे ये वह किचन है, ये वह रसोई है जिसके अंदर ये गुजारा करते हैं, और रसोई के अंदर भी एक बेड लगाया हुआ है क्योंकि इस परिवार में दो बच्चियां, एक बहन जी और इनकी एक माताजी, जो इस परिवार के अंदर गुजारा बसर करती हैं, और माताजी इस कमरे में सोती हैं। दरवाजे के आगे जाली लगी हुई है, दरवाजा तक नहीं है, और कंबल आगे एक चादर को टांग कर ये गर्मी सर्दियों में अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। ये वह कमरा है जो जीते जी इस परिवार का जो मुखिया था वह बनाकर चला गया था, और आज तक इसके ऊपर छत तो है लेकिन इसके ऊपर जो इसका प्लस्तर करना था, इसकी सफ़ेदी पेंट वगैरह, आज तक नहीं हो पाई क्योंकि परिवार का जो मुखिया था वह इस दुनिया में नहीं है, और परिवार का लालन पालन करते हुए वह एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हुआ और आज वह दुनिया छोड़कर जा चुका है। अब हम आपको इसी परिवार के अंदर पहुँचे हुए एक महानुभावों का दल, उस दल से भी मिलाएंगे जो दल इस परिवार का दर्द बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए इस परिवार में पहुँचा है, और यहाँ के स्थानीय नेता और समाज के साथ प्रत्येक मोर्चे पर कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले एक ऐसे महानुभाव जो समाज का दर्द बांटने के लिए सदैव अपनी जो भागीदारी है उसको निभाते हैं, और आज इस परिवार में पहुंचे हैं। जब हमारी जो बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से जब हमने स्टोरी फ्लैश की, ये स्टोरी इन्होंने देखी, और उसके बाद लगातार ये हमसे फ़ोन पर संपर्क बनाए हुए थे कि आप वापस कब आएंगे, और जब भी वापस आप आएंगे तो उस परिवार तक जब आप पहुंचेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। यहाँ के स्थानीय नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोगों के साथ तन मन धन से खड़े रहते हैं। ठाकुर साहब आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आप लगातार हमारी पहली स्टोरी के बाद आज तक हमसे टच में हैं, और लगातार आप हमसे ये फ़ोन पे बोलते थे कि जब आप उस परिवार में जाएंगे तो मुझे साथ लेकर चलना। आप इस परिवार का दर्द बांटने आए हैं, क्या कहेंगे इस परिवार का दर्द बांटने के लिए, किस प्रकार की सहायता आपकी ओर से की जाएगी? राजेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम होती है वहाँ पर आप आते हो और हम लोगों की भी आँखें खोलते हैं। यहाँ तक इस फैमिली का मसला, ये मेरे नॉन हैं, मैं यहाँ पे डेथ पे भी आया था इनके, लेकिन जो बातें आपने हमें बताई शायद उनसे हम ना वाकिफ थे। मैं आपसे ये कहूँ कि इनके लिए तो बहुत मुश्किल समय आ गया हुआ है, इस समय को हम लोग शायद पूरी तरह से तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमसे हो पाएगा, मैं यहाँ पे एक छोटा स्कूल रन कर रहा हूँ GPS के नाम से, ज्ञान पब्लिक स्कूल के नाम से, तो मैंने फैसला किया कि एक बच्चा इनका आपने स्कूल में पढ़ाऊँगा, यूनिफॉर्म उसकी, बुक्स वगैरह मैं सबको सब प्रोवाइड करूँगा, तो मैं अपनी तरफ से एक बच्चे को कम से कम 10th तक, मेरी स्कूल है 10th क्लास तक है, तब तक मैं इसको बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाऊँगा।
तो आप सुन रहे थे ठाकुर रणधीर सिंह का ये कहना था कि बच्ची को ये महसूस ना हो कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उसको प्राइवेट स्कूल में, जिस प्रकार माता पिता का ये सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े और उसको प्राइवेट स्कूल में 10th तक उसकी एजुकेशन फ्री में दिलाएंगे, उसकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्च होगा, किताबें, उसकी वर्दी, ठाकुर साहब का कहना था कि वह अपनी ओर से प्रोवाइड करेंगे। और इस परिवार का दर्द बांटने के लिए इससे मुझे लगता है कि और सहारा और ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए महानुभाव किस प्रकार से आगे आएंगे, हम इनका भी बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि हमारी कहानी के बाद इस गरीब दुखिया असहाय असमर्थ परिवार में पहुंचे और इसको संतावना दी और इन्होंने इनका दर्द बांटने का प्रयास किया। और सुंदरबनी से एक दल हमारे साथ और भी आया है, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की टीम है, उनसे भी बात करेंगे। इस परिवार में कुछ खाने पीने की वस्तुएं, गर्म बस्तर लेकर जो सुंदरबनी के महानुभावों द्वारा दान दी गई थी, वह लेकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे आप जो ठाकुर रणधीर सिंह जी इस परिवार में आए और उन्होंने इस परिवार का दर्द बांटने का प्रयास किया? देखिए, हम तो अपने पूरी टीम की तरफ से ठाकुर रणधीर सिंह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करते हैं कि आज इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि एक जो बच्ची है उस बच्ची का जो पूरा खर्च स्कूल में होने वाला है वो ये निःशुल्क वहाँ उसकी पढ़ाई भी करेंगे और वहाँ पर जितनी भी किताबें या वर्दी उसकी जितना भी जो खर्चा आता है उस खर्चे को वो सारा वहन करेंगे। तो इसलिए हम अपने दिल की गहराइयों से इनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारा पूरे समाज से, जितना भी हमारा राष्ट्रभक्त समाज है, उस सभी समाज से आग्रह है कि आप हमसे थोड़ी सी प्रेरणा लेकर हम ये समझें कि जब एक परिवार के ऊपर से जो मुखिया का साया चला जाता है तो उस परिवार का गुजर बसर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह अगर किसी भी परिवार में ऐसी समस्या आती है, जैसे आप इन्होंने एक बेटी को निःशुल्क पढ़ाने का जो फैसला लिया है, इसी प्रकार से परिवार की जो आने वाली जो बरसी है उस बरसी में भी यहाँ पर बहुत जो कठिनाई है उनको पेश आ रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से राजेंद्र जी, आपने पहले भी इनका जो अकाउंट नंबर वहाँ पर चढ़ाया था, तो कुछ योगदान जो है उस इनके बैंक अकाउंट में ज़रूर आया होगा। तो मैं आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि जो आपके पास वो अकाउंट नंबर है, आप यहाँ अगर कालाकोट के निवासी हैं तो आप इस परिवार से परिचित होंगे, आप यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर आकर भी इनका सहयोग कर सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं आ सकते हैं तो आपके पास अकाउंट नंबर जो है वहाँ पर दिया गया है, तो आप अकाउंट के माध्यम से इस परिवार की जो है वो मदद कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, ये हमारा हिंदू समाज वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है। तो हम पुनः एक बार ठाकुर रणधीर सिंह जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आज एक बेटी का जो यहाँ पर खर्च उठाने का जो फैसला लिया है, तो इसके लिए उसको बार बार साधुवाद हमारी तरफ से। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से सरकार का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी नारे को साकार करते हुए यहाँ पर ठाकुर रणधीर सिंह जी द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि 10वीं तक बच्ची को पढ़ाई का खर्च वह उठाएंगे, उसकी पेन पेंसिल कापी, उसकी यूनिफॉर्म, जूता चप्पल, जो भी चाहिए उस बेटी को दिलवाएंगे। और ये कहावत जो हमने हर एक स्टोरी में हम कहते हैं, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक कहावत है कि चिड़िया चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान देने से धन न घटे कह गए संत कबीर। हमारी जो पिछली स्टोरी थी उसमें बहन जी ने बताया था कि 8 लाख रुपया कर्ज है और आज की स्टोरी में बताया कि 5 लाख कर्ज जो अभी भी शेष है, जो उस परिवार के मुखिया के इलाज पर जो खर्च हुआ था, जो इन्होंने लोगों से मांग कर लिया था, 8 लाख आज भी है। इसका मतलब है कि जितने भी जो महानुभाव, जितने दानी सज्जन है, वे इस परिवार की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। और आज की जो हमारी कहानी है, इसके स्क्रिप्ट में भी इस परिवार का जो अकाउंट नंबर हम फ्रेश कर रहे हैं, और जितने भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तमाम महानुभाव से ये अनुरोध करते हैं कि आप इस परिवार का, इस दुखिया परिवार का, जिस प्रकार मासूम बच्चियाँ आज भी ठंडे कपड़ों में घना कोहरा सुबह 10 बजे तक इस क्षेत्र के अंदर सफ़ेद चादर जो कोहरे की विषय होती है, और बच्चियाँ देख ठंडे वस्त्रों में आज भी घूम रही हैं, इस परिवार की सहायता करें, आगे आएँ, दिल खोलकर दान दें, ताकि जो बोझ, जो कर्ज इस परिवार, जो इस बहन के सिर के ऊपर जो आज कर्ज है, वह कर्ज से भी वह परिवार चुकता रहे और 2 वक्त की रोटी वह परिवार जुटा सके। फिलहाल आप जुड़े रहें बाहुबली साहब।